हाय गाइस, दिस इज़ मी शुभि शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोल्ड फैशन वर्ल्ड। तो ये देखिए, हमारे टॉप का मेज़रमेंट है। आप आपके अकॉर्डिंग अपने टॉप के लिए मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए। और ये यहाँ पे मैंने वाइट कलर की टचिंग में इसके जैसा कपड़ा लिया है डिज़ाइन के लिए। और ये हम चाहे तो यहाँ पे ये लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो इसकी लेंथ जो है 26 इंच है, ये देखिए। और जो इसकी चेस्ट है ये हमें 26 ही लेना है। इसको हमने स्क्वायर एंगल में काटा है, देखिए। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रिल वाला टॉप है तो इसमें कपड़ा चारों तरफ से एक जैसा ही लगेगा। तो ये देखिए, हमने गला यहाँ पे 5 इंच का ले लिया है। फ्रिल वाला गला है ये, इसलिए हमें इसकी कटिंग बड़ी करनी है। और नीचे से हम 4 इंच ले लेंगे और ऐसा हमें यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। अब मैं यहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी, आप आपके अकॉर्डिंग गला ले सकते हैं। तो अब हम हमारी कंधी ले लेंगे। हमारी कंधी 4 इंच की है और जो हमारा आर्म होल है वो 7.5 इंच का होगा, ये देखिए। इस तरीके से हम स्केल से इसे मिला लेंगे। अब हम इसे स्केल की मदद से यहाँ पे ऐसे राउंड बना लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम हमारे चेस्ट का साइज़ ले लेंगे यहाँ से। तो हमारी चेस्ट 36 है, तो इसका 9 आएगा 4th भाग। इसमें हम 2+ करके यहाँ पे 1 पे ऐसे तिरछा मार्क कर लेंगे, ये देखिए। अब जो हमारी हिप है, ये देखिए, हिप के अराउंड हमें निशान लगाना होगा 11 इंच पे। तो यहाँ से अब हमें इसे तिरछा मिला के, ये देखिए, इस तरीके से नीचे के कोने से वापस मिला लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो ये देखिए, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ 1.5 इंच पे ऊपर मार्क करूँगी और यहाँ से नीचे से 3 इंच पे। अब मैं यहाँ से राउंड शेप मिला दूँगी, ये देखिए, इस तरीके से। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा टॉप में। ये देखिए, हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं हम हमारी स्लीव्स कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे स्लीव की जो लेंथ है ये 15 इंच है, हमें इसको बराबरी से कट कर लेना है। ये देखिए, ये डबल फोल्ड है, इसकी लेंथ है 15 इंच। अब मैं इसे 4 फोल्ड कर रही हूँ, ये देखिए। तो अब हम इसके बीचों बीच से, ये देखिए, यहाँ से इंची टेप को रख के इस तरह से नापेंगे। तो ये 8 इंच पे हमें मार्क कर लेना है, क्योंकि हम स्लीव्स में फ्रिल डालेंगे इसलिए हम 4 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं यहाँ पे। नीचे से 3 इंच पे मार्क करके हमें इस तरीके से इसको राउंड कर लेना है। और हमारी जो बांह फिटिंग है, ये देखिए, ये 12 इंच है, तो 12 का हाफ ले लेना है हमें और उसमें 2+ कर लेना है, ये देखिए। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच ले लेते हैं। यहाँ से इसको तिरछा मिला लेंगे स्केल की मदद से, ये देखिए, हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है, देखिए। और ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। यहाँ बीच में हम कट का निशान लगा देंगे। अब हम इसमें से हमारी स्लीव्स के लिए पट्टी कट कर लेंगे, ये देखिए। 4-4 इंच की हमें इसमें से पट्टी काट लेना है बराबर करके। तो ये हमारी पट्टियाँ कट चुकी है। तो अब देखिए, हम सबसे पहले हमारा जो गला है, ये देखिए, नेक की डिज़ाइन को हमें यहाँ पे फ्रिल दे देना है पूरे गले में, ये देखिए। 1.5 इंच के हमें फ्रिल देना है यहाँ पे, इस तरीके से, ये देखिए। ऐसे पूरे गले में हम यहाँ पे फ्रिल दे देंगे। और अब ये हमारा फ्रंट है। अब हम हमारे बैक के पार्ट में भी फ्रिल दे देंगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 फ्रिल डाले हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे इस तरीके से रख लेंगे पलटा के दोनों साइड से। अब हम इसकी कंधी जोड़ लेंगे, ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे कंधी पे सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारी कंधी जुड़ चुकी है। अब हम इसे पलटा लेंगे और इसके ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे, इस तरीके से। तो हमारी कंधी जुड़ चुकी है, ये देखिए। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे हमारे गले में। तो ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी कट की है। हम इसे डबल फोल्ड करके इसके चारों तरफ, ये देखिए, गोलाई में लगा लेंगे।
एकदम बारीक सिलाई लगाना है हमें यहाँ पे हाफ इंच पे। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे राउंडिंग में सिलाई लगा लेना है। देखिए तो हमने पूरे गले में सिलाई लगा ली है। अब हम इसे यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हमें यहाँ पे कट लगा लेना है ताकि जो हमारे गले का राउंड है वो अच्छे से आए। तो ये हमने राउंड लगा लिया है पूरे गले में। अब हम इसे अंदर की साइड, ये देखिए जहाँ से हमारा जॉइंट है, इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें डॉट टिप की सिलाई लगाना है एकदम किनारे से, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी डॉट टिप की सिलाई लग चुकी है। अब हम इसके हाफ इंच अराउंड देखिए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे देखिए स्लीव्स की डिज़ाइन बताएंगे। तो हमें यहाँ से फ्रिल ले लेना है, एकदम कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा आगे से स्टार्ट करना है। एक एक इंच की दूरी पे ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रिल लगाई है इस तरीके से। ऐसे हमें पूरी स्लीव्स में लगा लेना है, ये देखिए। तो हमने फ्रिल डाल दी है इसमें। अब ये जो हमारा नीचे से हम इसको मिला लेंगे, ये देखिए एकदम जो बीच में से हम यहाँ पे फ्रिल डालेंगे, तो हम यहाँ पे तीन फ्रिल डालेंगे एकदम बीच में, ये देखिए इस तरीके से। तो ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने तीन फ्रिल डाली है। अब ये जो हमने पट्टी काटी थी उसको हम नीचे की साइड से लगाएंगे इसमें, ये देखिए। हमें पट्टी को सीधा रखना है, ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे हाफ इंच पे सिलाई लगा रहे हैं, देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। अब हम इसे पलट लेंगे ऊपर की साइड। ये हमें हाफ इंच कपड़ा अंदर ही फोल्ड करना है, ये देखिए। ये देखिए इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। इस पट्टी से काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है स्लीव्स में। तो ये देखिए हम यहाँ किनारों पे डॉट टिप की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी एक स्लीव्स बन चुकी है, ये देखिए। अब हम इसमें जो डिज़ाइन बनाएंगे, जो हमने वाइट कलर का कपड़ा लिया था, ये देखिए ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी काटी है। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगाना है हाफ इंच बस, ये देखिए। इतना दबाव लेके हम डोरी बना लेंगे इस तरीके से। ऐसे हमने पूरे में सिलाई लगा ली है, ये देखिए। तो अब हम सिलाई की मदद से इसे पलट लेंगे अंदर की साइड। पहले हम यहाँ पे कट लगा लेना है और फिर इसे पलट लेना है, ये देखिए। डोरी हमें हमेशा देखिए इस तरीके से बनानी चाहिए, इससे एकदम गोल डोरी बनती है, ये देखिए। ये देखिए हमारी डोरी बन चुकी है। तो अब हम इसे देखिए दोनों साइड से मिला के बीच में से कट कर लेंगे दो स्लीव्स के लिए। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे छोटे से टुकड़े काटे हैं स्क्वायर शेप में। तो ये हम यहाँ पे इसका फ्लावर बना लेंगे जैसा हम डोरी के लिए बनाते हैं, ये देखिए। इस तरीके से उल्टी साइड से रख के इसे सिल लेना है और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम ऊपर से काट देंगे और इसे पलट लेंगे, ये देखिए। तो अब ये मैं दूसरी साइड भी बना लूँगी। ये हमारी एक डोरी तैयार हो चुकी है, ऐसे ही हमें दोनों कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों डोरी तैयार कर ली है। अब हम इसे इस तरीके से राउंड करके ये देखिए ऐसे मिला देंगे और इस पर भी हम देखिए ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये एक तरह से बो शेप जैसा बन जाता है, ये देखिए। ये इसी तरह से हम इसे भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब हम हमारी स्लीव्स में इसे अटैच करेंगे एकदम बीच में। ये जो हमने तीन फ्रिल दिए हैं यहाँ पे हम इसे अटैच कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। बहुत ही सुंदर लुक आता है इस तरीके की बो डिज़ाइन से। ये देखिए दूसरी स्लीव्स में भी हम ये अटैच कर लेंगे। तो हमारी दोनों स्लीव्स बन चुकी है। अब हम हमारी स्लीव्स अटैच कर लेंगे इसमें।
ये देखिए एकदम कोने से हमें इसे मिला लेना है और हाफ इंच पे देखिए राउंडिंग सिलाई लगा लेना है यहाँ पे इस तरीके से। हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और ये जो फ्रिल है ये बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं है, इसके ऊपर सिस्टमेटिकली सिलाई लगाना है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स जुड़ चुकी है, अब हम दूसरी साइड की भी जोड़ लेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स जुड़ चुकी है। अब ये जो नीचे का भाग है ये देखिए हमारे दोनों साइड के फ्रंट और बैक के पल्ले में हम इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पे फोल्डिंग कर ली है, दूसरे पे भी हम फोल्डिंग कर लेंगे। ये हमने डोरी एक और बनाई है हमारे फ्रंट पे लगाने के लिए, जैसे हमने स्लीव्स में लगाई थी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट में एक डोरी अटैच कर ली है। तो अब हम हमारी साइड जोड़ लेंगे, एकदम हाफ इंच में हमें सिलाई लगा लेना है और उसके बाद आप आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए तो ये हमारी साइड जुड़ चुकी है। इस तरीके से हम यहाँ पे दूसरी साइड भी जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स हमारा जो टॉप है ये बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसमें। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में है ये टॉप। ये देखिए इसकी स्लीव्स की डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही सिंपल टॉप है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको ये टॉप की डिज़ाइन और हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इन माई चैनल।